रशिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है और इंडिया में भी इस वार का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इंडिया यानी आप और हम पे इस वार का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये वार आपके जैसे और हमारे जैसे कॉमन लोगों के लिए गुड न्यूज नहीं है। मार्केट ओपन होने के बाद सेंसेक्स 2700 पॉइंट नीचे आ गया था। रशिया से 2.3% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर जाता है। पहले साल पेट्रोल का प्राइस 100 टच किया था और इस साल 6-7 रुपीस और भी ज्यादा हो सकता है। और इसलिए आप जितना कर सकते हो पेट्रोल को सेव करने का ट्राई करो। ऑयल का प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है क्योंकि हर चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में पेट्रोल का जरूरत पड़ता है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो ओवरऑल हर चीज का प्राइस बढ़ जाएगा और इससे देश में इन्फ्लेशन आएगा। और इन्फ्लेशन होने के बाद भी इतना पैसा हमारे जेब से ही जाएगा। SBI की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल मार्केट एक्सचेंज रेट और क्रूड ऑयल के प्राइस पर शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इंडिया 80% क्रूड ऑयल दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करता है। और एक बात, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सही मौका भी आने वाला है। तो देख लेते हैं इस वार के दौरान ट्रेड में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया और रशिया के बीच में भी ट्रेड चलता है और इस वार के दौरान इंडिया में एक्सपोर्ट घट गया है और इम्पोर्ट बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 में रशिया से 2.8% टोटल इम्पोर्ट किया गया था। इंडिया रशिया के साथ इलेक्ट्रिक मशीन और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है पर ये एक्सपोर्ट अभी ना के बराबर चल रहा है। इस क्वार्टर में बिस्किट के रिटेल प्राइस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड होम अप्लाइंस का प्राइस बढ़ सकता है। इस वार के दौरान हमारे इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ना और हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ना दोनों एक ही बात है। और ज़रा सावधानी से अपना पैसा खर्च करिए। किस वक्त किस हालात में अपना पैसा अपना दोस्त बन सकता है ये किसी को भी मालूम नहीं है।